Hello students, today's question topic is a straight line. The portion of line 4x plus 5y is equal to 20 in the first quadrant is trisected by the line L1 and L2 passing through the origin, right? The tangent of an angle between the line L1 and L2 is वो आपको फाइंड आउट करनी है, राइट? तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, सॉल्यूशन आपको यहाँ पर देखना है। सबसे पहले आपको यहाँ लाइन दिया हुआ है 4x plus 5y is equal to 20, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो लाइन, राइट? तो इसको आप अगर 20 से आप डिवाइड करते हो पूरी इक्वेशन को, ठीक है, तो ये बनेगा यहाँ से x by 5 plus y by 4 is equal to 1, है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म बना लिया हम, यानी कि x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो 5 है और y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो आपका 4 है। ये वाला पॉइंट जो है आपका मिल गया 5.0 और ये वाला पॉइंट आपको मिल गया 0.4। ये आपकी y एक्सिस हो गई, ये आपकी x एक्सिस हो गई। अब ओरिजिन से यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को ट्राइसेक्ट कर रहा है L1 और L2 लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी कि एक लाइन ओरिजिन से पास होकर के इसको यहाँ पे काटा, इससे इसको यहाँ पे काटा, ठीक है, ये पॉइंट आपका हो गया A, ये पॉइंट हो गया आपका B। तो अब ये जो लाइन थी आपकी, ठीक है ना, ये वाली लाइन, ठीक है, ये जो लाइन है x by 5 plus y by 4 is equal to 1, इसको तीन भागों में कर दिया, ट्राइसेक्ट कर दिया इन दो लाइन ने, OA और OB ने, राइट? तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, A और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। हमको पूछा क्या है, ये एंगल पूछा है, इसका मतलब टेंजेंट पूछा है, यानी कि टेन थीटा पूछा है, राइट? और यहाँ पर अगर एंगल थीटा है तो टेन थीटा आप बताओ, ठीक है ना। द टेंजेंट ऑफ एन एंगल बिटवीन द लाइन L1 एंड L2, अगर OA लाइन L1 है और OB लाइन आपकी L2 है तो ये एंगल का टेंजेंट आपको बताना है। तो सबसे पहले A पॉइंट निकालेंगे और B पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये जो इक्वेशन दी हुई है, एक लाइन जो दी हुई है उसका एक जब पॉइंट पर कोऑर्डिनेट 0.4 है, एक पॉइंट पर कोऑर्डिनेट 5.0 है। अगर ए की बात करूँ तो 1:2 के रेशो में इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ट्राइसेक्ट की बात हो रही है। तो ए पॉइंट जो है इस वाली लाइन को, ये वाली जो लाइन यहाँ बनी हुई है, इसको आपका किस में डिवाइड कर रहा है, 1:2 के रेशो में आपको डिवाइड कर रहा है, ये वाली जो लाइन आपको दे रखी है, ये वाली जो लाइन है इसको ये ए पॉइंट 1:2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो इधर हमने साफ साफ ये बना लिया। और दूसरा अगर हम बात करें बी पॉइंट की, तो 0.4 और 5.0 को ये 2:1 के रेशो में डिवाइड करेगा, राइट? तो इस तरीके से ए और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप यहां से फाइंड आउट कर लो। सो कोऑर्डिनेट ऑफ ए आपका क्या आ जाएगा, डिवाइड में तो आपका 3 लिखेगा, 3 लिखोगे आप, अब करते हो एम एक्स टू, यानी कि आया 5, फिर आएगा एन एक्स वन यानी कि ये 0, फिर होगा एन वाई टू यानी कि 0 और एन वाई वन यानी कि 4×2 8, 5/3 8/3 आपका पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आ गया। इसी तरीके से पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट आप निकालोगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो 3 आ जाएगा दोनों जगह, एम एक्स टू यानी कि 10, एन एक्स वन यानी कि वो 0 है ही सारी, तो 10 ही लिख दो यहाँ पर, एम वाई टू यानी कि 4 और एम वाई वन यानी कि 0, तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही आ जाएगा, ठीक है।
अब आपके पास डायग्राम क्या था, इधर हम बना ले, जैसे ये था OA और ये था OB, OA और ये था B, ठीक है। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 0 है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास 5.3, 8.3, 5/3, 8/3, यह आ गया आपके पास 10/3, 4/3, ठीक है। अब आप स्लोप निकाल सकते हो क्या OA का, बिल्कुल निकाल सकते हो। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है ऊपर, ये ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, 8 - 3, 8/3 - 0, 5/3 - 0, यानी कि 8/5 है ना। इसको आप मान लो M1, माना कि यह क्या है M1 है, ठीक है। इसी तरीके से आप स्लोप को वो भी निकाल सकते हो, 4/3 - 0, 10/3 - 0, यानी कि 4/10, यानी कि 2/5, ये मान लो आप M2, ठीक है। तो tan थीटा आपको निकालना है, इसका फॉर्मूला आपको पता है, M1 - M2/1 + M1 M2, बस कुछ नहीं कर रहा, M1 और M2 की वैल्यू को एज इट इज यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है, पुट कर दी। अब यहाँ पर एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ 5 एलसीएम लिया, 5 + 16 आ जाएगा, 16 नहीं 25 होगा ना यहाँ, तो 25 + 16 हो जाएगा ये, क्योंकि ये 5 × 5 है ना, 25 हो जाएगा, 6/5 × 25/25 में 16 ऐड करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, और 1 कैरी गया आपका तो 41 हो गया ऐसा, इससे ये 5 टाइम्स कट हो जाएगा तो 30/41 हो जाएगा, यानी कि tan थीटा की वैल्यू आपके पास आई 30/41। यही आपको फाइंड आउट करना था इस गिवन क्वेश्चन में, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान सवाल, बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ करके आपको सवाल को समझना है ना, और डायग्राम बनाए देन उसका, और डायग्राम बनाने के बाद जो है आपका ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।